लेमन बोल रहे हो? बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी। हाँ सच्ची में यम्मी है। गाइज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती होंगे आप सब बहुत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और साथ में मुझे भी खुश रखे, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। सो हाजिर हूँ आज एक और न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग ये है कि मैं बनाने जा रही हूँ आज चीज़ केक। हाँ जी, चीज़ केक। उसका मटेरियल जो है, मतलब कि जो इन्ग्रीडियंट्स है, वो रमज़ान से पहले से ही ला के रख लिए थे मैंने, क्योंकि मुझे क्रेविंग हो रही थी कि वो मैं बनाऊँगी, बट मैंने नहीं बनाया था क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। वैसे तो बहुत हार्ड नहीं है, बट फिर भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैं नहीं बना पा रही थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं वो टाइम निकाल रही हूँ और मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर ली जाए। तो चले नीचे तैयार करते हैं हमारा चीज़ केक, और उसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे और क्या क्या मैं लेके आई हूँ वो आपको दिखाती हूँ। विंडो में खड़े होकर बात करूँ तो गाड़ी की आवाज़ आती ही आती है। हाँ जी, तो ये रहे सारे के सारे इन्ग्रीडियंट्स, जिसमें कि आप देख सकते हैं मैंने लिया है ये बिस्कॉफ स्प्रेड। हाँ जी, जो कि पेस्ट है, ये बिस्किट्स का ही है, बटर बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे लिया है मैंने क्रीम चीज़। हाँ जी, दो पैकेट, मतलब कि दो डब्बे लिए हैं। और ये लिया है मैंने बिस्कॉफ का लोटस बिस्किट। अगर आप चाहें तो आप पार्ले जी बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई सी भी आपका चॉइस का। और ये लिया है मैंने मिल्क मेड कंडेंस मिल्क, जिसको बोलते हैं मिठास के लिए। और ये लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर, जो कि है दो बड़े चम्मच। उसके बाद मैंने लिया है अमूल बटर। बटर भी आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं, मुझे जो मिला जो ये अमूल बटर था तो मैंने ये ले लिया। उसके बाद मुझे इसमें ज़रूरत थी फ्रेश क्रीम की, तो मैंने ली है अमूल की फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो घर वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास में था तो मैंने यूज़ कर लिया है। तो चलिए फटाफट से चीज़ केक बनाते हैं। यहाँ मैंने सारे बिस्किट्स को अनफोल्ड कर लिया, मतलब कि बिस्किट्स निकाल लिए हैं। अब मैं इनको कर लेती हूँ मिक्सर में ग्राइंड। हाँ जी, इसको अच्छे से क्रश कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, बट हाथ से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम मिक्सी में करते हैं इसको। और यहाँ मैंने बिस्किट्स को एकदम अच्छे से मिक्सी में क्रश कर लिया है, मतलब कि पाउडर टाइप बना लिया है। तो जो मैंने बिस्किट का एक पाउडर बनाया था, उसको मैं एक अच्छे से बर्तन में कर लूँगी। हाँ जी, आप देख सकते हैं पाउडर बन गया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बटर। हाँ जी, बटर जो है मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था, आप लोग भी मेल्ट करें उसके बाद इसमें इंक्लूड करें। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने ज़्यादा ही बटर ऐड कर दिया था। आप लोग ज़्यादा ना ऐड करके, अगर फुल टिक्की ली है, फुल क्यूब लिया है बड़ा वाला, तो उसके अंदर से हाफ क्यूब ही डालें, पूरा ना डालें। तो यहाँ देख सकते हैं मैं उसको कैसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है केक का बर्तन, हाँ जी, जिसमें मुझे केक बनाना है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बटर डाल के इसको अच्छे से लगा लूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये बटर। जी हाँ, तो देखें मैंने यहाँ पे ये जो भी बिस्किट है, जो पेस्ट बनाया है, मैंने उसका डाल दिया है। अब देखिए ये थोड़ा ज़्यादा लिक्विडी हो गया है, क्योंकि बटर मेरा ज़्यादा हो गया था। तो आप लोग ऐसा ना करिएगा, थोड़ा ही डालिएगा। अब मैं इसके बाद इसको अच्छे से सेट कर दूँगी। अब यहाँ पर हम लेते हैं चीज़ की तैयारी करते हैं। हाँ जी, जो इसके ऊपर मुझे स्प्रेड करना है उसकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों जो टब है चीज़ के, वो डाल दिए हैं बर्तन में। अब इसमें मैं ऐड करूँगी बिस्कॉफ का स्प्रेड, मतलब कि बिस्कॉफ का बटर, वो भी आप एक बड़ा चम्मच देख सकते हैं मैंने यूज़ करा है। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे मिल्क मेड। हाँ जी, मिल्क मेड मैं पूरा यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ हाफ़ यूज़ करूँगी, क्योंकि पूरा यूज़ करूँगी तो ओवर मीठा हो जाएगा। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो पूरा भी ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ हाफ़ यूज़ करा है, बाकी का मैं एक अलग डिश में यूज़ करूँगी। नाउ अब यूज़ करते हैं हम क्रीम, जो कि अमूल की मैंने आपको पहले बताई थी, ये भी मैं आधी यूज़ करूँगी। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लावर, जो कि मैंने लिया है दो चम्मच, और इसको अब हम करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। आप चाहे तो एक एक करके भी बैटर को मिक्स कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर सारा बैटर एक साथ मिक्स करना चाहा तो इसमें थोड़े से लम्स पड़ गए थे, बट मैं हार नहीं मानी, मैंने प्रॉपर तरीके से उसको मिक्स किया, अच्छे से मिक्स करती गई, मेरा हाथ भी दुखने लगा था, बट फाइनली वो बहुत अच्छा बैटर बन के तैयार हो गया था। अब यहाँ पे जो मेरा
केक का मेन जो नीचे का बेस है उसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, हाँ जी, हाफ एन आवर के लिए, जब तक मेरी क्रीम तैयार हो रही थी। अब यहाँ पे क्रीम तैयार हो गई है, बेस भी सेट हो गया है। अब मैं इसको क्रीम को बेस के ऊपर डाल देती हूँ और फिर उसको हम अच्छे से स्पून की हेल्प से सेट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ आप देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब चलिए इसको अवन में रखते हैं। यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए अवन को प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पर और मुझे इसको 30 मिनट्स के लिए बेक करना है, तो मैंने यहाँ पे हीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो मेरा केक का बैटर है उसको हम रखते हैं और फिर आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ मैं आपको। तो हाँ जी, हमने रोज़ा वगैरह खोल लिया था, इफ्तार हो गया था, उसके बाद मैंने केक निकाला। और एक मज़े की बात बताऊँ, मेरा केक जो है ना थोड़ा सा जो है ज़्यादा हीट कर गया था, मतलब नीचे से लग गया था, जल गया था जिसको कहेंगे। क्यों, टाइमिंग वगैरह एकदम परफेक्ट थी, बस वो है थोड़ी सी लापरवाही हो गई थी। मैं अपने दूसरे काम में लग चुकी थी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। बाकी सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना था। बाकी अभी मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी, ये मम्मी से निकलवा रही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा था, तो मम्मी ने इसको प्रॉपर निकाल दिया था। बिस्कॉफ का जो बटर बचा हुआ था वो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के उसकी शीशी मेल्ट कर लिया और वो लेके इसके ऊपर लगा दिया। अब हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए। कलर देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है, आगे दिखाती हूँ आपको। आफ्टर 2-3 hours यहाँ पर मेरा जो चीज़ केक है वो बन के रेडी हो गया था और वो इतना प्यारा लग रहा था, डिलीशियस लग रहा था। मैंने कट किया है और देख सकते हैं आप कितना, मतलब कहते ना यम्मी और माउथ वाटरिंग था देखने में। बाकी अभी खाने का रिव्यू मैं आपको बताती हूँ, मैंने मम्मी को दिया है। अरे पहले मिर्ची तो जान दो अम्मी, उसके मुंह से मिर्ची तो जान दो। सॉरी जैन मनी बोला, जो भी है। कह रहा है मुझे समझ नहीं रहा टेस्ट। बस मुझे टेस्ट बताना कैसा लग रहा है। अच्छा बनाएगा, बस थोड़ा सा ही देना, मैं इतना नहीं खाऊंगी, मैं इतना सा खाऊंगी, थोड़ा ही दे रही हूँ। चलो अभी नायरा टेस्ट करने जा रही है। नायरा ये छोटा वाला पीस उठाओ। वो बोला अच्छा हाँ सच्ची में यम्मी है। वो करावे करा मेरे को 2-3 बार बोल दिया रे, यम्मी है। डैडा के लिए लाई हूँ ना ये इतना सा डैडा, अभी पहले खाना खा लेंगे ना फिर पूछती हूँ, ठीक है? डोंट टच इट, ऐसे टच नहीं करते। हाँ ये डैडा का है, ये मम्मा का है। और यहाँ पर जो हस्बैंड हैं वो फ़ोन पर बिजी हैं, घर पे आने के बाद भी उनके फ़ोन कॉल्स चलते रहते हैं और बस मेरा दिमाग ख़राब होता रहता है। खैर यहाँ पे मेरी अनारा को इतना मज़ा आया, वो मम्मा को किसियाँ दे रही थी और बहुत तारीफ़ कर रही थी। बनाया मेहनत से रिव्यू तो आपने सुन लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और ऐसे ही प्यार करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।